हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। दोस्तों, ये बुक उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। तो चलिए इस बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बुक आप देख सकते हैं कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। इसके राइटर बीके शर्मा जी हैं। गोयल पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है। तो इसे अंदर से आप देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये इस बुक का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रियल इंक्लूडिंग केमिकल इंजीनियरिंग टेस्ट बुक फॉर बीएससी ऑनर्स, एमएससी, बी फार्मा एंड बीटेक स्टूडेंट्स ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज। दोस्तों, यानी कि ये बुक जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो बीटेक कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बुक बहुत ही मतलब यूज़फुल होने वाली है। ये बुक मतलब ऐसा नहीं कि आपको बार बार परचेस करनी पड़ेगी। आप एक बार जो है इस बुक को ख़रीदेंगे तो आपका ये पूरा बीएससी का सिलेबस इसमें जो है इंक्लूड किया गया है, पूरे एमएससी का सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है और बीटेक के स्टूडेंट के लिए भी ये बुक बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए इसे और अंदर से देखते हैं। ये इस बुक का प्रीफेस दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये इस बुक का कंटेंट आ गया। तो चलिए इस कंटेंट पे देखते हैं। दोस्तों, इस बुक में कुल 61 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर बहुत ही यूज़फुल है। हर एक चैप्टर को इसमें डिटेल तरीके से बताया गया है। दोस्तों, ये बुक जो है पूरी की पूरी इंग्लिश में है, लेकिन आप इस बुक को तभी समझ सकते हैं जब आपका 11th 12th की जो आपकी जो केमिस्ट्री की नॉलेज है वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक है, तो आपको ये बुक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका 11th 12th की जो केमिस्ट्री होती है वो अगर वीक है तो आपको इस बुक को तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, चलिए अभी इस बुक के कंटेंट्स पे नज़र डालते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है वाटर ट्रीटमेंट दिया गया है और वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें करीब करीब 132 टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को कितना डिटेल तरीके से इसमें बताया गया है। इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर फॉर इंडस्ट्री, सोर्सेज ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ नेचुरल वाटर, केमिस्ट्री ऑफ वाटर, वाटर इन ह्यूमन बॉडी। एक एक चीज को मतलब अच्छे से डिटेल तरीके से बताया गया है। क्या वाटर का यूज़ इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, हर एक चीज़ को बताया गया है इसमें। देखिए, डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर आप देख सकते हैं, मॉडिफाइड लाइम सोडा प्रोसेस, ये इस प्रोसेस के बारे में आपने 11th 12th में सुना होगा, देख सकते हैं आप। मैग्नेटिक ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट इन बॉयलर्स यूनिट, वाटर एनालिसिस, केमिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, टेकिंग द सैंपल, काफी ज्यादा टॉपिक इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें देख सकते हैं म्युनिसिपल वाटर, वाटर वेस्ट वाटर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सीवेज। आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब वाटर वाटर के ऊपर आप देख सकते हैं कितना डिटेल से इसमें बताया गया। 132 पन्ने यानी कि वाटर के ऊपर बताया गया है। उसके बाद सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर करीब 174 तक इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हर एक चीज को बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियल वे में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के वे में हर एक चीज को बताया गया, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। आप इसमें देख सकते हैं फ्यूल्स आ गया। ये सारे टॉपिक आपने ऐसा नहीं है कि पहली बार सुने, आपने ये सारे टॉपिक आपने 11th 12th में जरूर सुने होंगे। केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, डीजल फ्यूल, बेंज ऑयल,
सेमी वाटर गैस, ऑयल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सारे टॉपिक आपने 11th 12th में जरूर पढ़े होंगे। इसलिए मैं अभी कह रहा था कि अगर आपका 11th 12th का बेस अगर मजबूत है तो आपको ये बुक पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें ये पूरी बुक इंग्लिश में जरूर है, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है 11th 12th का, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बुक को पढ़ने में। डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, बताइए ये टॉपिक तो आपने 11th 12th में भी सुना ही होगा। उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे बना के इसको यहाँ पे इस बुक में इंक्लूड किया गया है, आपके सिलेबस में डाला गया है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ये पेट्रोलियम के बारे में भी आपने 11th 12th में पढ़ा ही है। आपको अगर बेसिक नॉलेज है 11th 12th की, तो आपको ये बुक बहुत ही मोटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है, पूरा ग्रंथ है ये। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया, आपको एक साल में पढ़नी है, आपको पूरे आपका पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये बुक में बुक जो है आपके काम आएगी। देख सकते हैं आप इसमें कितने चैप्टर हैं, सारे चैप्टर 11th 12th में आपने जो है जरूर पढ़ रखे हैं। ये लुब्रिकेंट्स हो गया, फ्यूल सेल्स हो गया, ग्लास ग्लास इंडस्ट्री के बारे में देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर एक एक चीज बताई गई, एक्सप्लेन किया गया है पूरे प्रोसेस को। क्रेमिक्स आ गया, मिट्टी मिट्टी वगैरह के बारे में इसमें बताया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, अब बताइए ये टॉपिक तो आपने जो है 11th 12th में भी पढ़ा ही है, इसकी नॉलेज आपको होगी, हमारे भी सिलेबस में था ये। इंडस्ट्रियल ग्लास आ गया, ग्लास इंडस्ट्री के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए ये टॉपिक भी आपने 11th 12th में जरूर पढ़ा होगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में आप देख सकते हैं कितना, मतलब पूरा डिटेल तरीके से बताया गया है इस बुक में। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, ये टॉपिक भी आपने जो है 11th 12th में बहुत ही, मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया था उसमें, लेकिन था ये टॉपिक, लेकिन यहाँ पे इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है इन छोटे छोटे चैप्टरों को। रबर इंडस्ट्री आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, फर्मेंटेशन, पल्प एंड पेपर, पेपर इंडस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। शुगर, शुगर यहाँ पे आ गया नेक्स्ट चैप्टर। ऑयल्स, फैट्स, सोप्स, ये सारे चैप्टर जो है आपके थे 11th 12th में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका बेसिक अच्छा है तो ये बुक भले इंग्लिश में है, लेकिन आपका जो अगर बेसिक अच्छा है तो आपको ये बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी नहीं होगी अगर उनका बेसिक अच्छा है तो। पेंट्स एंड पिगमेंट्स आ गया, एक्सप्लोसिव, आप देख सकते हैं 61 चैप्टर इसमें हैं। विटामिन, सेमीकंडक्टर्स, सिंथेटिक परफ्यूम्स, डाइस, आयरन एंड स्टील के बारे में बताया गया, आयरन एंड स्टील आ गया, एलॉयज आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं लास्ट चैप्टर है एलिमेंट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं 61 चैप्टरों को कितने ज़्यादा टॉपिक में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए ये बुक हमारे लिए यूजफुल है। अब देख सकते हैं अंदर से इसका रिव्यू देखते हैं, ये देखिए क्वालिटी ऑफ नेचुरल वाटर, केमिस्ट्री ऑफ वाटर, इंग्लिश में है ये पूरी बुक। ये देख सकते हैं आप, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, ये बुक सिर्फ आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपको मतलब एग्जाम निकालने के लिए
सिर्फ काम आएगी। ये बुक जो लोग टीचर हैं वो नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई किसी को रिसर्च करनी है किसी टॉपिक पे, तो इसमें से इस बुक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नोट्स तो किसी से भी, किसी दूसरे बच्चे से भी लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन जो डीप नॉलेज होती है वो आपको बुक पढ़ के ही मिलती है। तो आपको ये बुक जो है पढ़नी ही पड़ेगी। मैग्नीशियम के बारे में बताया गया, आयरन के बारे में यहाँ बताया गया है। देख सकते हैं आप, कैलोरीफिक वैल्यू आ गई, बहुत मोटी बुक है ये, आपके पूरे मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आएगी। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया है, मुझे नोट्स बनाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ये बुक को खरीदा है। बुक ने मुझे बहुत हेल्प की है, काफ़ी इसमें टॉपिक आप देख ही रहे, 61 61 चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बुक में आप देख सकते हैं कुल मिला के, ये तो इंडेक्स आ गया, 1760 पेज हैं, 1760 जो कंटेंट्स के मुताबिक ये पेज है, बाकी तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। तो इस बुक ये देख सकते हैं, इतनी मोटी बुक है ये, इसे दिखाऊं मैं आपको, ये इसका लास्ट पेज है। प्राइस आप देख सकते हैं इस बुक की, 895, 895 जो है इसका प्राइस है। कृष्णा प्रकाशन मीडिया लिमिटेड की ये बुक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आपको ये चैनल के अगर आपको हमारे रिव्यू पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।